6 अप्रैल को यानी आज ही के दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा खत्म कर नमक का सत्याग्रह किया था। बात मार्च 1930 की है, जब गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के रूप में लगातार 24 दिनों तक 400 किलोमीटर का सफर अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी, जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय नवसारी कहा जाता था। रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ा, तो इसने लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया।